Welcome to my channel. प्रिय देशवासियों, आज का मेरा सेशन वीर शहीद खुदीराम बोस को समर्पित है। खुदीराम बोस अपने देश में फांसी चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के ज्वलंत युवा क्रांतिकारी थे। आइए उनके जीवन पर प्रकाश डालते हैं ताकि भारत का भविष्य कभी उनके बलिदानों और शहादतों को ना भूले। शहीद खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। उनके माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था और उनके पिताजी का नाम त्रिलोक चंद थे। जब खुदीराम बोस बहुत छोटे थे तभी उनके माता पिता का निधन हो गया था। बड़ी बहन ने उनका लालन पोषण किया था। खुदीराम बोस के मन में देश को आजाद कराने की ऐसी लगन थी कि उन्होंने 9वीं कक्षा की पढ़ाई छोड़ दी और स्वदेशी आंदोलन में टूट पड़े। स्कूल छोड़ने के बाद शहीद खुदीराम बोस रिवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने और वंदे मातरम का पैम्फलेट वितरित किया। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए गए आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1906 में मिदनापुर में एक प्रदर्शनी लगी हुई थी। इसी प्रदर्शनी में सत्येंद्र नाथ द्वारा लिखे हुए सुनार बंगला पत्रिका का वितरण खुदीराम बोस ने किया था। इस दौरान एक सिपाही ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन खुदीराम बोस सिपाही के मुंह में घुसा मारकर पत्रिका को लेकर भाग गया। इस पकड़ पर खुदीराम बोस पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया, किंतु उस समय गवाह न मिलने के कारण खुदीराम बोस निर्दोष साबित हुए। 1907 में खुदीराम बोस ने नारायणपुर रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर के विशेष ट्रेन पर भी हमला किया था और वो बच गए बिना रुके। 1908 में शहीद खुदीराम बोस ने 2 हिंसक अंग्रेज अधिकारी वाटसन और फेफाल्ट फुलर पर भी हमला किया था और वो भी बच गए। जब बंगाल विभाजन के विरोध में लोग सड़क पर उतरे थे तो उस समय कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने लोगों पर क्रूर दंड दिया था। किंग्सफोर्ड ने लोगों पर अत्याचार किया था। उसके पश्चात ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किंग्सफोर्ड को प्रमोशन देकर मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश के पद पर भेज दिया था। किंग्सफोर्ड के कुकर्मों को सजा देने के लिए युगांतर समिति ने खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी का चयन किया था। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी किंग्सफोर्ड के वध करने के लिए उनके घोड़ा गाड़ी के राह देख रहे थे। किंग्सफोर्ड के सुरक्षा में तैनात पुलिस को चकमा देकर उन्होंने किंग्सफोर्ड के घोड़ा गाड़ी के पास बम फेंक दिया था। चूंकि उस समय अंधेरा था और किंग्सफोर्ड की घोड़ा गाड़ी में मौजूद नहीं थे, इसलिए वे बच गए। अंधेरे होने के कारण अन्य घोड़ा गाड़ी में उपस्थित एक अंग्रेज अधिकारी की पत्नी और उनकी बेटी की मौत हो गई। घोड़े गाड़ी में बम फेंककर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी दोनों ही रात भर भागते हुए 24 मील रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। आपको मालूम है 24 मील मतलब लगभग 39 किलोमीटर रात भर उन लोग दौड़े, लेकिन तब तक अंग्रेज के अफसर और अंग्रेज के सिपाही उनके पीछे लग गए थे। उन्हें अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया और अपने आप को अंग्रेजों से घिरा हुआ देखकर प्रफुल्ल कुमार चाकी खुद को गोली मार ली और शहीद हो गए। खुदीराम बोस ने तब भी हार नहीं मानी और स्वतंत्र होने के प्रयास किया, लेकिन उन्हें भी पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चला। 11 अगस्त 1908 को हाथ में भागवत गीता लेकर खुदीराम बोस देश सेवा में खुशी खुशी फांसी चढ़ गए। बम के धमाके में बचे किंग्सफोर्ड को डर इतना लग गया कि उन्होंने डर से नौकरी छोड़ दिया और खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी के डर से उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई और उसी मानसिक स्थिति खराब होने की वजह से उनका भी शीघ्र मृत्यु हो गया। पूरा देश खुदीराम बोस की इस बलिदान का कायल हो गया। पूरा देश के लिए खुदीराम बोस एक अनुकरणीय हो गए। पूरे देश ने शोक मनाया। स्कूल कॉलेज सभी बंद रहे। उसी समय एक विशेष प्रकार का धोती का प्रचलन हो गया था जिसमें खुदीराम बोस लिखा होता था।
जब खुदीराम बोस शहीद हुए थे तो उनकी उम्र मात्र 18 साल 8 महीने और 8 दिन था। खुदीराम बोस जब शहीद हुए थे तो उनकी उम्र मात्र 18 साल 8 महीने और 8 दिन था, फिर भी वो हंसते हुए हाथ में भगवत गीता लेकर फांसी पे झूल गए। प्रफुल्ल चंद चाकी अंग्रेजों से घिरे होने का खुद को गोली मार कर हंसते हुए अपने प्राण निछावर कर दिया। फिर आज के उन युवा शहीदों को भुला दिया गया जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण निछावर किए थे। आज भ्रष्टाचार और स्वार्थी नेताओं को देखकर उनके मुंह में थूकने का मन कर रहा है। आज कुछ सत्ता प्रेमी धूर्त लोग जातिवाद, भाषावाद और क्षेत्रवाद का खेल खेलकर भारत की अखंडता को चुनौती दे रहे हैं। क्या यही आजाद भारत का सपना खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, प्रफुल्ल चंद चाकी जैसे लोग देखकर अपने प्राण निछावर किए थे? क्या यही वो भारत है? भाइयों, आइए जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद और भ्रष्टाचार मिटाकर देश को उन्नत बनाएं। जय भारत, जय हिंद। अगर आपको विज्ञान विषय के साथ भारत के गुमनाम शहीदों जैसे खुदीराम बोस और उनके जैसे क्रांतिकारी जीवन गाथा को जानना है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जय भारत, जय हिंद। Welcome to my channel.